ऐसा ऐसे हुआ कि मैंने फेसबुक पे गाड़ी देखी, उधर से गाड़ी की डिटेल निकाली, मैंने उसके नंबर निकाले व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद मैंने उस पर कॉल करा, कॉल करने के बाद उससे बातचीत हुई तो गाड़ी पसंद आई, तो उसने बोला गाड़ी पसंद आई आपको, बोला ठीक है तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दो, तो मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। उसके बाद उसने बोला कि 5,000 रुपये गाड़ी बुक करा दो आपको, फिर मैं बाकी पेमेंट बाद में कर देना, ठीक है। मैं 5,000 रुपये उसको दे दिए, फिर 15,000 रुपये उसने बोला कि गाड़ी रवाना कर दूंगा मैं यहाँ से देवी से एयरपोर्ट, देवी एयरपोर्ट बताया उसकी ड्यूटी है, उधर रवाना कर दूंगा। उसके बाद मैंने 15,000 रुपये डलवा दिए, तो उसने देवी की फ़ोटो मेरे पर भेज दी। उसके बाद उसने बोला गाड़ी आपके पास रिसीव हो जाए, उसके बाद आप पेमेंट कर देना और मुझे कॉल मत करना, मैं ड्यूटी पर रहूँगा इसीलिए। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने उसको कॉल करा तो बोला ड्राइवर केवल वैसा करना, ड्राइवर का कॉल आया मेरे पास आधे घंटे बाद, बोला मैं जयपुर पहुंच गया हूँ और मेरे को 21,500 रुपये मुझे जमा कराओ, ठीक है। मैंने करा दिए, तो ई मित्र वाले से कराए मैंने, और उसके बाद उसने टुकड़ों में भेजा पैसा, तो वापस कॉल आया बोला आपने टुकड़ों में भेजा है पैसा, इकट्ठा भेजा दो बार करके, जब मुझे ईमेल मिलेगा। मैंने ईमेल के लिए वापस 21,500 रुपये वापस रिटर्न कराए। फिर उसके बाद किशनगढ़ आई गाड़ी, उसके बाद बोला बोले कि 25,900 रुपये कराओ, तो मैं 25,900 रुपये करा दिए। उसके बाद बोला ये पेटीएम में चल गए, फिर पेटीएम में चल गए तो वापस कराओ रिटर्न, तो फिर मैंने 25,900 रुपये वापस रिटर्न करा। टोटल कितने पैसे डलवाए आपने? 1,14,800 रुपये डलवाए मैंने। कितने की डील हुई थी आपकी गाड़ी? 95,000 की गाड़ी थी, और तो एक मेरे पास 2015 का मॉडल। फोन किसका आया था, कौन कार में काम करते हैं? फौजी था वो, सीआरपीएफ का बंदा बता रहा वो। क्या नाम है उसका? रमेश नाम है उसका। कहाँ से आया था फोन? फोन देवी से आया था और झालावाड़ का, उसकी आरसी भेजी थी। मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? हाँ, मुकदमा दर्ज करवाया है अलबेगे थाने में। आपका नाम? मनीष कुमार। वार्ड में रहता है, मनीष नाम का व्यक्ति है, मेसन का काम करता है। इसने फेसबुक पर एक गाड़ी देखी अल्टो 800, इसको पसंद आई, इसने फेसबुक पर उससे संपर्क किया, एक कोई फौजी था झालावाड़ का, उसके नंबर प्राप्त हुए, उससे सौदा हुआ गाड़ी का 95,000 का। इसने समय समय पर 5,000, 25,900, 15,000 रुपये ऐसे करके उसको 1,14,800 रुपये कैश दे दिए, मतलब कि उसके अकाउंट में डाल दिए। 95,000 का सौदा तो 1,08,000 इतना क्यों अमाउंट दिया? इसको फर्जी तरीके से, अनपढ़ आदमी है, सीधा साधा आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है, अब उसको गुमराह करता रहा ये कि भाई अब इतने डाल दें, गाड़ी जयपुर आ रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है, ये डालता रहा। इन्होंने क्या है, कल अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ, और देखो उसकी कार्रवाई होगी जैसे भी है। आपका नाम? चंदन सिंह, वार्ड पार्षद 35।